अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, मेरी फैमिली भी ठीक। तो हमें याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। तो आज फिर हाजिर होना है व्लॉग के साथ। मैं आज ही अप्लाई करने लगी हूँ जॉब फॉर माय सिस्टर। तो आज की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। जॉब अप्लाई कर रही हूँ, फिर खाने का कुछ बनाऊँगी, फिर देखूँगी और क्या करना है, आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। जॉब मैंने अप्लाई कर ली है, काफ़ी टाइम लगा है। पर्सनल स्टेटमेंट बनानी थी, स्किल एबिलिटीज नॉलेज सब कुछ लिखना था। तो बाकी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अप्लाई कर दिए जॉब के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 बजने वाले हैं, तो भूख लग रही है। मैंने सोचा चलो क्विक सी चिकन मैगी की, चिकन नूडल्स की वो बना लेती हूँ, लंच में चिकन नूडल्स बना लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास सीख कबाब था, उसको मैंने मैनुअल ब्लेंडर में, हैंड ब्लेंडर में चॉप कर लिया है। और मटर और फ्राइज़ ये मैंने फ्रोज़न लिए हैं, इनको मैं बॉईल नहीं करूँगी, डायरेक्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको पकाऊँगी कवर करके, तो ये रेडी हो जाएंगे। और इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑलरेडी कुकड है, बस जस्ट फ्राई करना है घी में, हल्के से ऑयल में। और एज आई टोल्ड यू, आई यूज़ चॉप टमेटोज, आई एम गोना यूज़ देम, 2 or 3 tablespoons ऑफ टमेटो। और गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, गार्लिक क्लोव्स मैं काट के डालूँगी स्मॉल चंक्स में, स्मॉल पीसीज में। और नूडल्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाले हैं चिकन फ्लेवर में। चलें जी करते हैं रेसिपी का स्टार्ट। ये मैंने हल्के से ऑयल में लहसुन डाला था, उसके बाद ये चॉप सीख कबाब डाला था। नाउ इट लुक्स लाइक मैन, अगर आपके पास नहीं है सीख कबाब तो कोई मसला नहीं, आप चिकन या कीमा या कुछ भी ऐड कर लेते हैं, या सिंपल वेजिटेबल बंस भी बना सकते हैं। तो ये देखेंगे बन चुके हैं तकरीबन रेडी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी फ्राइज और ये फ्रोज़न मटर, और मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ऑलरेडी आइस हैं तो ये इसी में ही गल जाएंगे। ये अब तकरीबन गल चुके हैं, जो थोड़ी बहुत कसर है वो जब नूडल्स के साथ पानी ऐड होगा तब ये कसर पूरी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि इनका ऑलरेडी साथ मसाला मिलता है मैगी का, तो वो मसाला डलेगा, इसलिए जस्ट थोड़ी बहुत स्पाइसेस टू मेक स्पाइसी, क्योंकि स्पाइसी पसंद है मुझे। थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी नमक और चाइनीज सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डालूँगी। फिर इसमें चॉप टमाटो डालूँगी थोड़ा सा मिक्स करके, फिर मैगी मसाला और नूडल्स डाल दूँगी और फिर पानी डालूँगी। सब चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं, पानी भी डाल लिया है, नूडल्स भी डाल लिए हैं, टमाटो पेस्ट भी डाल लिया है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। अगर आप ऐड करना चाहें तो थोड़ा विनीगर, लेमन जूस या सोया सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोना ऐड इट बिकॉज आई हैव सोर थ्रॉट। मैं ऑलरेडी ऑफ सीख रही हूँ वर्क से, और मैं मज़ीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मज़ीद डेज़ ऑफ नहीं लेना चाहती, तो मैं ऐड नहीं करूँगी। मैं इसको ऐसे ही पकने दूँगी फ्यू मिनट्स के लिए, ताकि ये रेडी हो जाए। अगर आपके पास पेपर्स हैं, शिमला मिर्च हैं कटी हुई, वो बहुत अच्छी लगती हैं चंक्स में। टमाटो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश टमाटो या फ्रेश वेजिटेबल नहीं थी दूसरी, तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ की। आपके पास हैं तो आप ज़रूर ऐड करें, बहुत मज़े के बनेंगे, बिलीव मी। नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आई विल टर्न द फ्लेम ऑफ और इन्हें सर्व करते हैं। हमारे मज़ेदार से नूडल्स हो चुके हैं रेडी, तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।